हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग। काफी दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आज है हम लोग दमन में। जी हाँ, दमन में। देखिए ये देखो, दमन का बीच है ये, सुबह में दिखाऊंगा आपको। चलो इधर चलते हैं, इधर दिखाते हैं। ये देखो भाई लोग, इधर सैटरडे नाइट की पार्टी चल रही है। देख रहे हो, इधर सैटरडे नाइट की पूरी पार्टी चल रही है एकदम जोर शोर से। तो हम लोग हैं अभी बीच के पास, समंदर में पानी। हाँ, यहाँ पे बीच में पानी नहीं। और इस जगह का नाम है देवका बीच। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपको दमन कैसे आना है, कैसे आपको कहाँ पे रुकना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इधर हैं देखने। कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी उसके बारे में आइडिया दूँ। फिलहाल हम लोग दमन में हैं और दमन का ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, ये है देवका बीच। देवका बीच के पास आप देख सकते हो बीच, हम आपको सुबह में दिखाएंगे। अभी रात में शायद सुबह में पानी आ जाए, शायद सुबह में पानी आ जाए, सुबह में पानी आएगा। ये देखो, ये है दमन का बीच जिसमें आप नहाना तो भूल जाओ। इधर देखो पूरी पथरीली बीच है, पानी बहुत दूर है, इतना दूर कुछ जाता भी नहीं होगा, लेकिन है मस्त जबरदस्त। और ये देखो काजल, ये एकदम सूरत से बाजू में ही है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि ये भाई बहुत गंदा पानी है, पानी देखो, पानी देखो, पानी देखो। और यहाँ पे आपको बीच मिलेगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं लेकिन बस पैर भिगा सकते हो। ये देखो भाई साहब, रॉकी आ रहा है, रॉकी रॉकी आ रहा है। देखो लिखा हुआ है बॉस, हाँ सर, गले पे बॉस लिखा हुआ है। हम लोग अभी जा रहे हैं नानी दमन। ये है नानी दमन फोर्ट और उधर देखो है लाइट हाउस, जहाँ पे इधर और इधर पूरा फिशिंग का काम होता है। ये देखिए पूरा इधर, और इसी में लोग बोटिंग भी करेंगे, क्या बोटिंग करता है इसमें भगवान जाने। और वो देखो कार वगैरह सब उधर से आना जाना हो सकता है, यानी कि ये समंदर ही है। पार होने के लिए आपको इसको एक्चुअली वेसल्स बोलते हैं, वेसल, ये बड़े बड़े वेसल्स हैं। चलो अभी ना हम लोग इधर चलते हैं, ये फोर्ट के अंदर देख 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 रहे हो, वो वाला रोड है, उसी से तो हम लोग आए थे काजल। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हैं, चलो अभी देखते हैं इसको। ये देखो भाई, ये देखो, ओ भाई साहब काजल, इसमें बंद कर दे तुमको। ये देखो दरवाजे का क्या हालत है भाई, हिस ये देखो, बहुत पुराना दरवाजा है ये, इसका हालत बहुत खराब है। ये कील दिखा ना, कील देखिए, ओ भाई साहब बहुत डेंजरस है। ये देखो, चलो भाई साहब फूड घुमाते हैं आपको। ये देखो, और ये पहले पुर्तगाल लोगों का हुआ करता था। और ये देखो काजल जा रही है अभी, इधर चर्च भी है एंड आई डोंट थिंक ये चर्च खुला होगा। और ये है फोर्ट, और फोर्ट पे जाने का रास्ता है इधर से, ये देख रहे हो, ये है फोर्ट। और
ये हम लोग आ गए। चलो और ये ऊपर जाने का है। ये देखो यहाँ से हम लोग एंटर किए थे, इधर देख लो पूरा समंदर। ये समंदर? हाँ तो ओ भाई साहब, ये रहा आपका फोर्ट, हालांकि बहुत पुराना है। ये देखो ये रास्ता, देखो देखो इधर उधर चलते उधर। ये देखो इधर दिखाते इधर, भाई साहब देख रहे हो। और ये है आपका फोर्ट। इधर देखो काजल, इधर कब्र है। और इधर देखिए, इधर सारा कब्र है, ये देख रहे हो। और उधर लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। चलिए हम लोग जाते हैं आगे, थोड़ा धूप ज़्यादा है यार। हाँ धूप है मगर हवा बहुत अच्छा चल रहा है। आइए आपको इधर दिखाता हूँ, इस साइड देखो। तनिष लव नैनो हम लोग भी लिख दें काजल। ओ भाई साहब ये देखो, देख रहे हो ये महल है। ये देखो ये अंदर भी जाया जाता होगा। ये रास्ता आपको लग जाएगा इधर। और ये फोर्ट जो है, ये इसका नाम नानी दमन है। ऐसा ही नानी दमन मतलब क्या होता है काजल? छोटी दमन है। नानी दमन है और एक होता है मोटी दमन। मोटी मतलब जानते हो मोटा भाई, तो मोटी दमन मतलब बड़ा। सो अभी हम लोग नानी दमन आए हुए हैं। नानी और दमन पे है ये फोर्ट। ये फोर्ट है और यहाँ इसका नानी दमन फोर्ट नाम है। अब इस फोर्ट में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ये ओपन है। आप यहाँ पे आके घूम सकते हो। साइड में वो बोटिंग वोटिंग भी है। और इधर देखो, अगर आप देखोगे पीछे तो पूरा समंदर है, पूरा समंदर है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ भुड़ नहीं है, शायद लोग शाम वाम को ज़्यादा आते होंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग अभी आ गए। और अभी देखो, अभी हम लोग इधर से उतरने वाले हैं। ये देखिए, ये देख रहे हो प्लांटिंग है, देखिए ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। सो आप आ जाओ और इधर इधर से देखोगे ना, वो भाई साहब ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बोट है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बोट यहाँ पे लगी हुई है जो कि समंदर में जाती है। और वो जो आप पीछे देख रहे हो, ये पूरा समंदर है। ठीक है, इधर समंदर का पानी तो फिर भी दिख रहा है, उधर देखो थोड़ी लहरें दिखेंगी आपको तो इधर। लेकिन उस साइड जहाँ जिधर हम लोग गए थे देवका बीच के, वो कुछ भी नहीं था। और ये देखो इधर काजल बैठी हुई है। ठीक है, आ जाओ, यहाँ से आपको व्यू दिखेगा बढ़िया। हम लोग वहां से एंटर किए थे। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे घूमते 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 में आ गए। और उसके अंदर जाने का जो जगह शायद बंद है, साइड में कुछ खुला है, जाकर देखते हैं। फिलहाल चलो नीचे चलते हैं। चलो काजल नीचे जाओ। देख लो इधर चर्च है, तो ये चर्च आई थिंक खुला नहीं होगा। चलो उधर जाते हैं उधर। ओ भाई साहब ये देखो, यहाँ पे मैं स्कूल भी है, बहुत बढ़िया यहाँ पे। ये देखिए ये रहा चर्च और ये है स्कूल। मतलब जैसा फोर्ट एक्चुअली मैं घूमा हूँ रियल में, जहाँ पे आपको मतलब राजा कहाँ रहता था या वो लोग मतलब किस तरीके से वहाँ पे उनकी जो सभाएं लगती थी, वो सब वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है। लेकिन आप यहाँ पे आ तो सकते ही हो, आना ज़बरदस्त है। चर्च में भी आप जा सकते हो, चर्च हालांकि 2 बजे खुलेगा बोल रहे लोग, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ज़बरदस्त जगह है।
लेकिन अगर आप फोर्ट लेकर अगर कुछ ऐसा समझ रहे हो उस तरीके का जैसा आपके नाम आते ही दिमाग में जैसा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो वैसे भी इंडियन फोर्ट और पोर्टुगीज फोर्ट में भी फर्क होता है। इंडियन में क्या है कि वो सबा बबा लगता है, लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं है शायद, सब ये सब में होगा मगर मुझे लगता है सब तोड़ दिया गया है। ठीक है, और इधर देखिए पीने वाले हैं।